एशिया कप के दौरान भारत के सुपर फोर के आखिरी मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी संभाली थी। 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान टीम इंडिया अच्छी शुरुआत के बाद भी जीत दर्ज करने में नाकामयाब रही। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला एक बार फिर फ्लॉप रहा। उन्होंने 17 बॉल पर सिर्फ 8 रन ही बनाए। एशिया कप में धोनी को 3 बार बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 13 की औसत से सिर्फ 41 रन बनाए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भी धोनी का खराब प्रदर्शन मुद्दा उठा था। अब ऐसे में दिग्गज सुनील गावस्कर ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बेहद कड़क सलाह दी है। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा कि धोनी की फॉर्म वाकई चिंता की बात है और धोनी को इसे अब सीरियसली लेना चाहिए। गावस्कर ने तो यहां तक सलाह दे डाली कि नेशनल टीम के मैच को छोड़कर धोनी को जब भी मौका मिले उन्हें घरेलू क्रिकेट में जाकर मैच खेलना चाहिए। कई खिलाड़ी इससे पहले अपनी खोई फॉर्म को वापस पाने के लिए घरेलू क्रिकेट का रुख कर चुके हैं। वैसे आईपीएल 2018 में महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 16 मैचों में 455 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद से उनका बल्ला शांत है। गावस्कर ने कहा कि धोनी को घरेलू क्रिकेट में 4 दिवसीय मैचों में भी झारखंड की तरफ से खेलना चाहिए। इससे न सिर्फ धोनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे, साथ ही साथ ऐसा करने से झारखंड के युवा बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि सुनील गावस्कर की सलाह पर धोनी कितना अमल करते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।